हमारा जी, मैं बजरी प्रसाद सोनी नागौर से बोल रहा हूँ। वो जी बोलो भाई। तो मेरा क्या है कि थोड़ा अचानक ये गोडों की मतलब शक्ति वो खत्म हो गई है। गोडों में बहुत दर्द होता है हाँ वो और कहते हैं नसें कार्टिलेज घिस गए खिसकी। हूँ, चक्की बोल रहे हो आप जिसको, कार्टिलेज घिस गए। हाँ और क्या है कि नसें खिंचती है। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा घुटनों में गैप पड़ गया, कि ये ऐसे इधर उधर हिलते हैं। तो क्या कितनी उम्र है तो आपकी? उसको, उम्र मेरी 68 है। चलिए कोई बात नहीं, आपको जरा जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनो जरा। देखो घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा आ जाते हैं, तीन चीज़ों का सेवन करना। एक तो गिलोय जो अभी मैं बता रहा था, एक ही शिलाजीत, ये दो दो बूंद सुबह शाम ले लो। पतंजलि 100% दिव्य फार्मेसी हमारा एक ब्रांड है जिसमें हम आयुर्वेद की औषधियाँ, चाहे गुग्गुल है, चंद्र प्रभावटी है, ये सब हम दिव्य ब्रांड से देते हैं आपको, क्योंकि हमारी 25 साल पुराना ये अनुष्ठान है। ये बादाम रोगन आदि ये जो है दिव्य ब्रांड से देते हैं। तो दिव्य शिलाजीत चंद्र प्रभावटी बस इतना ही ले लीजिए आप। नसें थोड़ी ज़्यादा खींचती हैं तो उसमें त्रयोदशांग गूगल भी ले सकते हैं। पूरे पैर में नसों से लेकर नस ऐसे लेकर के पूरे कमर से लेकर के एड़ी तक पूरे पैर में दर्द होता है तो त्रयोदशांग गूगल, खाली जोड़ों में तो सिंहनाद गूगल या योगराज गूगल, ज़्यादा पुराना दर्द है तो महायोगराज गूगल, जोड़ों के दर्द के साथ स्किन की प्रॉब्लम है तो कैशोर गूगल, दर्द के साथ पेशाब की भी समस्या है तो गोक्षणादि गूगल, ऐसे गूगल का प्रयोग है। एक गूगल ले लीजिए, एक चंद्र प्रभावटी और ये शिलाजीत बस। गिलोय तो लेना ही लेना है। देखो मैं घरेलू उपचार में अक्सर बताया करता हूँ, गिलोय, एलोवेरा और पारिजात हार श्रृंगार, उसके ऊपर अभी फूल भी आते हैं जो है, फूल और पत्ते दोनों उपयोगी हैं। जहाँ निर्गुंडी मिल जाए तो निर्गुंडी, नहीं तो अपना पीड़न तक क्वाथ ले लो, उसमें निर्गुंडी से लेकर के रासना से लेकर के अश्वगंधा से लेकर के जो भी वात नाशक औषधियाँ सब हैं। तो यदि निर्गुंडी ताज़ा मिल जाए, हार श्रृंगार पारिजात ताज़ा मिल जाए, एलोवेरा ताज़ा मिल जाए, गिलोय ताज़े मिल जाए, तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा आ जाते हैं, जो कहते हैं ना अंदर से ग्रीस खत्म हो गई है वो दोबारा आ जाती है, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। डीजर्नेट वे बोन्स के सेल्स रीजर्नेट हो जाते हैं, जो मैंने उपचार बताया। इससे आंखों में आई दृष्टि आई ड्रॉप डालने से आमल के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शुक्ति भस्म में हम प्रयोग करवाते हैं, खाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाते हैं, आंखों के डीजर्नेट वे सेल रीजर्नेट हो जाते हैं। हार्ट के लिए हृदयामृत अर्जुन की छाल और उसमें दालचीनी के साथ काढ़ा बना करके पी लो, हार्ट के डीजर्नेट वे सेल रीजर्नेट हो जाते हैं, अनुलोम विलोम कर लो। ऐसे ही मधुनाशिनी गिलोय घनवटी खीरा करेला टमाटर का जूस और कपाल भाती मंडूकासन अनुलोम विलोम, कपाल भाती अनुलोम विलोम मंडूकासन, ये तीन अभ्यास और ये जो मैंने उपचार बताया, पेनक्रियाज के डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। ये हमने पहली बार करके दिखाया, खाली बातें नहीं है, इसके पूरे प्रमाण हमारे पास में, इसलिए हम आपको ये बताते हैं कि भाई ये जो आयुर्वेद है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, अपन हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा वरदान है। ये हमारे पूर्वजों ने वर्षों वर्षों तक बहुत बड़ा अनुसंधान किया तब जा करके ये हमें वेदों से आयुर्वेद से ये ज्ञान मिला, हम आपको आपके शब्दों में पहुंचा रहे हैं।